घूमना किसे पसंद नहीं होता। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो आप बहुत ही सही वीडियो देख रहे हैं। आप शेयर करने का विचार बना रहे हैं और आपका बजट कम है तो दोस्तों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक ऐसे देश के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और सस्ता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोनारक। इस देश की खास बात यह है कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 चोटी इसी देश में है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा भी कहते हैं, इसी देश में स्थित है। इस देश में बहुत ही सस्ते में आपको सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, सब कुछ। आपने सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। आपको नेपाल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। खूबसूरत वादियाँ, हरे भरे जंगल, गगनचुंबी पहाड़, कलकल करती नदियाँ आपका मन मोह लेंगी। नेपाल में एक तो नहीं, कई ऐसी देखने और घूमने लायक जगह हैं जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। भारत और चीन की सीमाओं से घिरा एक छोटा सा मगर बहुत ही सुंदर देश नेपाल, जहाँ हर सैलानी अपने जीवन में एक बार जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ, कुछ साल पहले तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश था। नेपाल में करीब करीब 85% लोग हिंदू हैं। अगर आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो आपको एक बार नेपाल जरूर जाना चाहिए। यहाँ भगवान शंकर का पशुपतिनाथ मंदिर है। यहाँ पर एक और विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर माँ सीता का जन्म स्थान माना जाता है। यह नेपाल प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। भगवान बुद्ध की पावन जन्मस्थली लुम्बिनी भी नेपाल में ही है, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट है। यहाँ सबसे अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। काठमांडू शहर से 29 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में छुट्टियां बिताने की खूबसूरत जगह ककनी स्थित है। यहाँ से हिमालय का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। नेपाल दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पर कुत्तों की दिवाली मनाई जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुत्तों की दिवाली, जो कि दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है। भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों से भरपूर एक खूबसूरत देश है। यहाँ वह सब कुछ है जिसकी तमन्ना एक आम सैलानी को होती है। देवताओं का घर कहे जाने वाले नेपाल विविधताओं से पूर्ण है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक ओर यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर तीर्थ स्थान, रोमांचक खेलों के शौकीन लोग यहाँ रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जंगल सफारी, स्काइंग, इन सभी खेलों का मजा ले सकते हैं। आप फास्ट फूड के शौकीन हैं तो भी आपको नेपाल से निराशा हाथ नहीं लगेगी। जी हाँ, यहाँ चाइनीज़ फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा चलन में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ लोग धर्म कर्म के लिए ही जाते हैं। नेपाल में लड़कियों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। लड़कियों की तस्करी कर इन्हें रूस, बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में बेच दिया जाता है। नेपाल में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। यहाँ 10 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है या फिर उन्हें जबरन बेच दिया जाता है। इस देश की एक खास बात यह भी है कि यहाँ की दुकानों में अधिकतर लड़कियाँ ही बैठी मिलेंगी। यहाँ की वैश्यवृत्ति का प्रमुख कारण इस देश की गरीबी को माना जाता है। ये दुनिया के सबसे गरीब 10 देशों में से एक है। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए किसी भी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ जाने के लिए बस एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए और आप नेपाल जा सकते हैं। जहाँ ज़्यादातर देशों में हफ्ते में संडे के दिन छुट्टी होती है, वहीं नेपाल में शनिवार के दिन छुट्टी होती है। नेपाल में शुद्ध पानी की नदियाँ और 6,000 से ज़्यादा झीलें हैं, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। लेकिन वहाँ बिजली की उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं हो पाता जितना कि चाहिए, इसलिए वहाँ के लोग दिन में कई घंटे बिना बिजली के साथ रहते हैं। नेपाली कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर वर्ष 2072 चल रहा है। नेपाल में हर साल 13 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नेपाल के बारे में जानकर? आप और किस देश के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। देखते रहें कोणार्क, बनाएं हर दिन बेहतर।